The human spirit is one of ability, perseverance, and courage, and there's nothing that can stop it except you. Welcome to another fine episode of The Inspiring Indians, featuring Shri Anish Bhanot, the brother of inspiring Indian personality, Nirja Bhanot. Sir, welcome to the show. Thank you very much. Sir, how did Mr. Shankar Raman and Mr. Ramakrishnan become a part of The Inspiring Indians? The actual inspiring stories of these two guys. Ye dono kamal ke aadmi hain. Shankar Raman has got a disease called muscular dystrophy. जिसमें क्या होता है कि you lose your limbs. So when he was just 5 years old, he was diagnosed with that. And the doctor told his father कि cure नहीं होगी. And over the years, that is what happened. He's lost his use of his legs. He's in a wheelchair now. His hand, one hand doesn't work. Ramakrishnan साहब भी बड़े great चीज़ हैं. He was a fit guy. He wanted to join the Indian Navy. And इन्होंने test pass किए. Then he went for the प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. उधर में उन्होंने बोला कि तुम एक पेड़ पे जाके उधर चंपा रहो. ये पेड़ पे चढ़ गए, पता नहीं स्लिप हो गए कि गिर गए, बट ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड एंड ही ब्रोक ए स्पाइन एंड बिकम क्वाड्रिप्लेजिक. जिंदगी ख़त्म. लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी और इन्होंने ओवर द ईयर्स दे हैव सेट अप समथिंग कॉल्ड इन अ प्लेस कॉल्ड आयुकुडी. आयुकुडी इज अ प्लेस इन तमिलनाडु. दे सेट अप होम फॉर द डिसेबल्ड, वैली फॉर द डिसेबल्ड बोलते हैं उसको. वे आर लुकिंग आफ्टर हंड्रेड ऑफ पीपल विद एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम. जो इन्होंने दिखाया है कि डिसेबिलिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ माइंड विच इज अ प्रॉब्लम. मेरे को याद है जब मैं पहली बार शंकर रमन साहब को मिला तो वो सिटिंग इन अ बेड, तो मैं बैठा तो मैं नेचुरली यू नो मैं उनकी तरफ देखा तो इट्स वाई यू लोकेट मी लाइक दिस. कहता सम पीपल हैव डायबिटीज, सम पीपल हैव गॉट हार्ट प्रॉब्लम, आई गॉट दिस, तो क्या हो गया उसमें. एंड देयर लाइफ इज एन एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ कैसे जीना कैसे है, कितनी मर्जी प्रॉब्लम हो जाए. सर, सो हाउ डिड दे ओवरकम दिस मेजर चैलेंज ऑफ देयर लाइफ? सो पहले रामकृष्ण साहब ने किया. व्हेन ही वाज इन हॉस्पिटल फॉर नियरली 4 इयर्स, फर्स्ट इन बैंगलोर इन द आर्मी हॉस्पिटल. व्हेन ही केम आउट ही हैड नथिंग टू डू. आई मीन ही कुडंट वॉक, ही कुडंट डू एनीथिंग, ही वाज क्वाड्रिप्लेजिक. एंड ही सेड द आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप. तो ही डिड वॉन्ट हिज माइंड टू बी आइडल. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो डॉक्टर साहब थे जिन्होंने उनको ट्रीट किया था, उनका नाम था एयर मार्शल अमरजीत सिंह चहल, और उनके नाम पे उन्होंने अमर सेवा संगम शुरू की आयुकुटी में. वहाँ पर ये क्या करते थे कि जो लोग प्रॉब्लम में हैं, यही प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम्स, उनको ट्रीटमेंट करते थे. तब उनको शंकर रामन मिल गए. शंकर रामन ने मीन टाइम बिकम अ CA. और CA कहते बड़े बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो बोलते हैं कि मैं ना बड़ा दुखी रहता था उस टाइम, एंड यू फाइट विद एवरीबडी. Then once I passed my 10th ka exam, I said, yaar, why am I doing all this? Why making my life miserable, making everybody's life miserable? So he said, I decided I'm going to be happy only. So in a wheelchair, but he was very happy. Then his father asked him, ke tum CA karna chahoge? He said, yes. So he bola, theek hai. And he took me to a guy who was also CA and was also in a wheelchair, a gentleman called Veerakotte. And Veerakotte saab ne mere ko bola, haan, tum ban sakte ho, kyun nahi ban sakte ho, CA ban sakte ho. Paas unhone mere ko itna hausla badhaya कि मैं एग्जाम से बैठा, आई पास एवरीथिंग द फर्स्ट शॉट ओनली, विच इन CA यू नो इज वेरी डिफिकल्ट टू डू, एंड आई बिकम CA एंड आई बिल्ट अप अ रेपुटेशन फॉर माई सेल्फ. ऐसे मेरे को रामकृष्ण से मिल गए, उन्होंने मेरे बताया आप हमारे इधर आइए आयुकुटी में. तो आई न्यू द इंटीरियर, बट स्टिल आई वेंट देयर एंड आई वेंट देयर एंड आई फेल लव विद द प्लेस. अच्छा यार, ये है जिंदगी, किसी मदद कर सको इससे बढ़िया का चीज़ हो सकती है. तो मैं फिर पूरा एस्टैब्लिश हो गया उनका. टुडे आई एम द सेक्रेटरी ऑफ द अमर सेवा संगम. And we do training for people, and we have a full-fledged hospital out there where we look after spinal problems, and we have tie-ups with various companies. जैसे हमारे tailoring class है, तो tailoring class में uniforms बनती है TVS की, अलग-अलग companies की, हम uniforms बनाते हैं. And हमारा तरीका क्या है कि हम तो लोग जो handicapped हैं या physically challenged हैं, उनको मतलब लेके जाकर training देते हैं. Training देके उनको वापस उनके गांव भेजते हैं, and they do वर्क दम सेल्स, दे सेट अप देयर ओन. जैसे हम ऑटो मैकेनिक सिखाते हैं उनको कि आप मैकेनिक कैसे बन सकते हैं, फिर वो अपना जाकर उधर शुरू कर देते हैं. एंड एवरीबडी इज डूइंग वेल फॉर दम सेल्स. बोथ ऑफ देम आर मैरिड एंड देयर वाइव्स आर एक्सलेंट सपोर्ट फॉर देम. रामकृष्ण साहब की वाइफ है लक्ष्मी एंड शंकर रमन की वाइफ है रमणी, एंड दे आर रियली सपोर्टिंग बोथ ऑफ देम फैंटास्टिकली. दैट्स व्हाई दे एबल टू डू सच गुड वर्क. Sir, so what can the youth learn from the lives of Mr. Shankar Raman and Mr. Ramakrishnan? उनकी ज़िंदगी एक पूरी किताब है लिखने के लिए. वो क्या बोलते हैं
Never get scared. Problems will come, challenges will come, so what? Face them. Do everything diligently, do it well, do it full ethics, and do it with an open heart, and you'll be successful. Sir, so how can people read about Mr. Shankaraman and Mr. Ramakrishnan's life? Do three things about them to read. One is you can go to the internet, and from Amazon or Flipkart, or there's a site called SpurringSuccess.com. You can buy a book, take it, read it, study it. The second way is, if you're lucky, or if you're school or college associated as a student or as a teacher or something, you go to the library, you'll get a book there. Why? Because 2,500 schools and colleges give this book free. Why do they give it? Because some children will study. पढ़ के इंस्पायर होंगे, बोलेंगे यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ. एंड सम ईयर्स लेटर वील बी राइटिंग अबाउट देम ऑल्सो. दीज आर टू वेज हाउ यू कैन गेट द बुक. इसकी फंडिंग कैसे होती है? क्योंकि एक तो किताब का कॉस्ट है, वो ये प्रोहिबिटिव है, ऊपर से 1.5 किलो की किताब है, तो इसका कुरियर कॉस्ट ही मार जाता है आपको. तो ये लोग जो किताब खरीदते हैं उसके पैसे से जो आता है, हम ये किताब फ्री भेजते हैं. तो ये किताब से पैसे कभी बने नहीं, जो आता है चले जाता है वापस. बट इट्स अ वेरी गुड मतलब बॉर्ड करने को एंड सेटिंग एंड लिसनिंग टू दिस गाइस एंड द एक्सपीरियंसेस इट ओपन योर ओन माइंड. पर शंकर रामन साहब की एक रिक्वेस्ट होती है ऑलवेज कि आपको जो कोई फिजिकली चैलेंजिंग बंदा मिले उसको एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए, चाहे छोटी सी एम्प्लॉयमेंट हो, उससे उसका उत्साह बढ़ेगा एंड ही विल डू वेल इन लाइफ. सो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बट मेक श्योर यू गिव देम अ जॉब, ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट, डोंट ट्रीट देम ए बेचारे हैं, यू नो, एंड दे विल ऑल्सो डू वेल इन लाइफ एंड दे विल बी वेरी हैप्पी फॉर यू. राइट sir, hopefully through this episode a lot of people who are watching this would get this message and they might employ or you know treat them with equal respect as they do with others. So believe you can and you are halfway there. So today we heard a beautiful inspiring story of Mr. Shankaraman and Mr. Ramakrishnan, and we hope their journey inspires a lot many people who are watching this episode. Stay tuned for another fine episode of Inspiring Indians. See you soon.